थोड़ी सी ऊंची आवाज के लिए ना। देन द अदर साइड, ठीक है गुड, यूं करें, सही है गुड, अब ट्विस्ट कर, पॉप करें, सही है, इसको नीचे करें और पहने, ठीक है गुड, कनेक्ट हो गया, पावर बैटरी ऑन है, स्विच बंद करें, खोलें, बंद करें, खोलें, गुड, सही है, दोनों के साथ कॉम्बिनेशन में चलाएं, हाँ गुड, करें, गुड, सही है, गुड, गुड, फोर निकाल लें, अच्छा तो मेरी रिहेबिलिटेशन जो है वो माशाल्लाह से बहुत अच्छी चल रही है। जब जब मैं यहाँ पर आती हूँ, जब भी मेरे यहाँ विज़िट होता है, सो मैं ये फील करती हूँ कि मेरे आर्म के अंदर बहुत इम्प्रूवमेंट आ रही है। लाइक ये सब चीज़ जो है प्रैक्टिस से होती है। आप एग्जांपल ले लें एक बेबी की, लाइक वो जब बड़ा होता है तो वो चलता है, फिर बात करता है, लाइक वो सारे काम। तो इस तरीके से अब यहाँ पर जब हम आते हैं तो हमें लाइक बेबी की तरह ही ट्रीट किया जा रहा होता है कि थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करके ही आप इसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जब मैं यहाँ पर आती हूँ मुझे बहुत फील होता है। फिर इसको बैंड कीजिएगा फिंगर्स को, फिर स्ट्रेट करिए, सॉरी कंप्यूटर मॉडल पे मूव करो, इट्स एक्चुअली अ इंजीनियरिंग मॉडल ना,
So what we do is we make these bionic hand with electronic sensors inside, and when the person put his thumb inside the bionic hand, it sends the signals, which is electronic impulse, and which is detected by electronic sensors which are embedded inside the bionic arm. And then when the person is trying to send the signal, it actually makes the arm work. Definitely these kind of bionic arms do exist in the West, but the cost is very high and they are not suitable for this kind of environment. So what we do is we make these bionic arms in a very less cost, and people who are unable to afford this cost, we have the list of sponsors who pay for this prosthetic.